नमस्कार, राम राम, प्रणाम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था अमरनाथ यात्रा को लेके, और मेरा वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ इतना है कि जो लोग भी इस साल यात्रा जा रहे हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यात्रा करने से पहले मिल जाए और उनकी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से हो और उनको अच्छे दर्शन हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अमरनाथ के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बहुत बेसिक जानकारी सबसे पहले देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या डूज डोंट हैं जिनको हमें वाइल ट्रैकिंग हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम इन पहाड़ी रास्तों पे इजीली ट्रैक कर सकें और पवित्र गुफा तक इजीली पहुंच सकें। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तभी आप वहाँ जा पा रहे हैं। अगर किसी ने अभी रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इस साल यात्रा अधिक मास मास की वजह से 2 महीने हैं, तो अगर आपको अभी भी जाना है तो आप रजिस्टर करके चेक कर सकते हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे। मैंने पहले वीडियो में पूरा बता रखा है प्रोसेस कि किस तरीके से आप रजिस्टर करें और कैसे अपनी यात्रा को प्लान करें। मगर अब बात आ रही है कि आप यात्रा पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि अगर आप पहाड़ों में पहले नहीं गए, लाइक केदारनाथ, बद्रीनाथ या उत्तराखंड की कोई यात्रा पे, तो ये यात्रा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप अपने दिमाग में रखें कि ये सरल यात्रा नहीं है कहीं से भी। हमारी हिंदू मान्यताओं में ऐसा बोला गया है कि सभी तीर्थ कितनी ही बार करो, मगर अमरनाथ तीर्थ सिर्फ एक बार कर सकता है व्यक्ति, और एक बार ही करना चाहिए, क्योंकि ये दुर्गम यात्रा है। वहाँ हर किसी को जाके उस हिमालय में जहाँ भोले बाबा बैठे हैं उसकी शांति को भंग भी नहीं करना चाहिए। बाकी बहुत सारे शिवालय हैं भारत में, वहाँ जाइए आप। तो चलिए, अमरनाथ के बारे में हम जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अमरनाथ ट्रैक को अगर देखें अच्छे से, अमरनाथ यात्रा को अगर देखें, तो वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, पवित्र गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल रास्ता और दूसरा है जो अभी रास्ता शॉर्ट बनाया गया है कुछ दिनों पहले। सबसे जो ऑथेंटिक है, सबसे जो पौराणिक रास्ता है, वो है पहलगाम होते हुए जाता है रास्ता। तो आप अगर जम्मू से जा रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही करवा लिया होगा आपने, तो अगर आप पहलगाम होते हुए जा रहे हैं तो ये रास्ता सबसे सुंदर रास्ता है दोस्तों, और सबसे लंबा भी है। इसमें आपको कम से कम 2 दिन आराम से लगेंगे अगर आप तेज़ चलते हैं, और अगर आप धीरे चलते हैं तो आपको 3 दिन लगेंगे अमरनाथ गुफा तक पहुँचने के लिए। ये जो रास्ता है पहलगाम वाला, जिसमें सबसे पहले आप पहलगाम बेस कैंप पहुँचते हैं, यहाँ से ही आपको परमिशन मिलती है आगे जाने की, क्योंकि पहलगाम के अंदर ही चेक पोस्ट लगी हुई है जो वेदर क्लियरेंस मिलने के बाद ही आपको आगे जाने देगा। तो आप पहलगाम से अगर चलते हैं तो लगभग आपको चंदनबाड़ी तक, जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का जो रास्ता है, बाय रोड आपको टैक्सी ले जाती है यूनियन वाली, आपकी पर्सनल गाड़ी नहीं जाती है वहाँ पे। तो आप बेस कैंप से बाहर जिस दिन यात्रा शुरू होती है, यूनियन वाले अपनी गाड़ी लगा देते हैं और वो चार्जेस लेते हैं पर पर्सन, आप चंदनबाड़ी सबसे पहले पहुँचते हैं। चंदनबाड़ी पहुंचने के बाद आपकी यात्रा रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक बार चेक होते हैं, आपके पूरा लगेज चेक होता है जो आप सामान लेके जा रहे हैं, और आपको फिर यहाँ से पैदल यात्रा आपकी शुरू होती है चंदनबाड़ी से, और आपका वेलकम होता है बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई से, जिसे पिस्सू टॉप बोलते हैं। यात्रा यहाँ से चलते हुए दोस्तों पहुँचती है शेषनाग झील पर, यहाँ फर्स्ट आपका होल्ट होता है, देन यहाँ से आपकी यात्रा अगले दिन शुरू होती है, और आप यात्रा करते हुए पंचतरणी पहुँचते हैं जो प्लेन एरिया है, और 5 नदियाँ वहाँ पे मिलती है। एक दिन यहाँ रेस्ट करते हैं आप, और देन इसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है पवित्र गुफा के लिए पंचतरणी से। आप सेम डे ही पहुँच सकते हैं पवित्र गुफा अगर आप चाहें तो, अगर आपके आपका ग्रुप छोटा है या आपकी एज ज़्यादा, आप बच्चे नहीं हैं, बच्चों की तो बात नहीं, अगर बुज़ुर्ग हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है, आप नेक्स्ट डे पवित्र गुफा तक पहुंच सकते हैं और होली केव से नीचे बालटाल उतर भी सकते हैं सेम डे। तो दोस्तों, आपको इतना मैं बता दूं कि ये जो यात्रा है इसके अंदर आप काफ़ी नीचे के धरातल से लेके आप हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स के अंदर जाते हैं, कई बार आप पूरा पहाड़ चढ़ते हैं, दोबारा उतर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं। पंचतरणी में ऐसा ही होता है कि आप काफ़ी नीचे आ जाते हैं, पूरे पहाड़ उतर जाते हैं, देन दोबारा आपको होली केव के लिए चढ़ना पड़ता है दोबारा। तो मेक श्योर कि जो भी हमारे डूज डोंट होंगे उसके अंदर फिजिकल चैलेंज बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, बाकी सब चीज़ें मैनेज हो जाती है, फिजिकल चैलेंज बहुत बड़ा रहता है, चाहे आप घोड़े से जा रहे हैं चाहे आप पैदल जा रहे हैं। अगर आप फिजिकली नहीं हैं अवेलेबल, मतलब आपकी फिटनेस नहीं है, तो आप ज़रूर हेलीकॉप्टर ही ट्राई करें, और उसी के ज़रिए ही आप पूरा यात्रा करें, आप रिस्क बिल्कुल ना लें। ख़ास तौर से जिनको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरी कोई प्रॉब्लम है, या हार्ट कोई प्रॉब्लम है, तो आप ट्राई नहीं करें चलने वाला कुछ भी, आप हेलीकॉप्टर से जाएं, दर्शन करें और आराम से नीचे उतर आएं।
चलिए, तो ये एक बेसिक आपको नॉलेज दिया मैंने। हाँ, ये और बता दूंगी, होली केव से आप अगर बालटाल से होके चढ़ रहे हैं होली केव के लिए, तो आप पवित्र गुफा तक सेम डे मॉर्निंग में जल्दी उठें आप, 3 बजे 4 बजे उठ के चलें आप, और सेम डे जाएं, और सेम डे ही अगर आप उतर जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको रुकना नहीं है आपको उस जगह पर। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हमारे डूज डोंट, जो हमें खास ध्यान रखने चाहिए जब हम अपनी यात्रा के लिए निकल रहे हो। अभी यात्रा शुरू हो गई और हम न्यूज़ देख रहे हैं कि कैसे यात्रा को बंद भी कर दिया जा रहा है कई बार, क्योंकि बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं, क्लियरेंस नहीं मिल पाता, वेदर ख़राब होता है, रोड टूट जाती है। बहुत आसान है वहाँ पर यह होना, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम रेनफॉल भी हो सकता है, एक्सट्रीम स्नोफॉल भी वहाँ शुरू हो सकता है, तो दोनों चीज़ों से वहाँ यात्रा कई बार स्टे भी आपका हो सकता है बालटाल बेस कैंप पे या पहलगांव बेस कैंप में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन किया है अपना, एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया है आपने, तो इन दोनों चीज़ों को अपने साथ अपने लगेज के अंदर रखें, क्योंकि आप जैसे ही जम्मू पहुँचते हैं बाई ट्रेन या बाई रोड या बाई कार, कैसे भी अपने व्हीकल से आप पहुँचते हैं, तो आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे एक काउंटर होता है, और वहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाने के बाद आपको एक आईडी कार्ड देते हैं, वो जिस आईडी कार्ड को वो बोलते हैं आरएफआईडी। तो ये आरएफआईडी जो है आपको एक पूरा मिलता है आईडी कार्ड आपको एक चेन के साथ। तो आपको अपनी यात्रा जब शुरू होती है जम्मू से, तो आप यहीं से ही इसको पहनकर निकलें, और वाइल आप ट्रैवलिंग इसको अपने साथ रखें, ताकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, और कहीं पर भी सिक्योरिटी चेक्स हो रहे हों तो वहाँ पर आपको कोऑपरेट वो करेंगे, और आपके लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो आप तक पहुँचाने की वो कोशिश करते हैं, जो भी मैनेजमेंट है। और टिल द यात्रा आप जब तक ख़त्म नहीं कर लें, आप अगर पहलगांव से चढ़े हैं तो बालटाल अगर नहीं उतर जाते हैं, तब तक इस आईडी कार्ड को अपने साथ रखें, इसको खोने ना दें, अदरवाइज़ आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और बार बार आपको पूछा जाएगा कि आपका आईडी कार्ड कहाँ है। सो मेक श्योर कि जब भी आप जम्मू पहुँचें, ट्रेन से पहुँचें, तो रेलवे स्टेशन पे ही हैं, आप किसी से बात करें और आरएफआईडी कार्ड आपका तुरंत वहाँ से सभी लोगों का बनवा लें, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। इसके अलावा आप जब यात्रा पे जाएं तो अपने डॉक्यूमेंट जरूर साथ रखें, जिसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन जो किया उसकी स्लिप चाहिए, आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया उसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए, देन आपकी आरएफआईडी चाहिए, एक मेन कोई आपका आईडी प्रूफ साथ में रखें, लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की कॉपी, या कुछ भी जो पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल हो, वोटर आईडी आप रख सकते हैं। तो इन आईडी कार्ड्स में से कुछ ना कुछ आप अपने पास रखें, एक प्रिंट उसका ज़रूर ले लें, क्योंकि कई होटल्स में भी आपको देने पड़ेंगे ये सब, जहां आप स्टे करेंगे या कहीं पे भी। इसके अलावा थर्ड चीज़ है, वो है अपना कैश जरूर रखें, क्योंकि हर जगह पे एटीएम अवेलेबल नहीं है, आपको कई बार कैश की ज़रूरत पड़ेगी वहां पे, तो इनफ आप कैश ले लें यहां से जम्मू से जब चलें तब, ताकि आपको आगे कोई शॉर्टेज नहीं हो, क्योंकि मैं आगे की बिल्कुल श्योर नहीं कर सकता हूं कि हर जगह आपको ऐसी फैसिलिटी हो कि कैश इजीली मिल जाए। वैसे पहलगांव में काफ़ी एटीएम्स हैं, बट आप जम्मू से ही लेके चले अपने साथ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं डूज एंड डायरेक्टली डोंट्स के ऊपर, कि क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं डूज एंड डोंट के बारे में, क्योंकि ये यात्रा चट्टानी है, बहुत हाई एल्टीट्यूड के बारे में है, दूसरा है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर यहाँ होता है, तो आपको डूज डोंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हम जो यात्रा है उसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और बहुत ईजीली स्मूथली एक्सपीरियंस करें, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाएँ। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारी फिजिकल फिटनेस। हमारी जो श्राइन बोर्ड जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये डूज डोंट बहुत आराम से लिखे हुए हैं, और आप इनको अच्छे से पढ़ें और इनको रेगुलर आप फॉलो करें। सबसे पहले यही बोला जाता है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं या आपकी लाइफस्टाइल में चलना अगर नहीं है, तो आप एग्जैक्टली एक महीना पहले आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की हमेशा डेली आपको वॉक करनी है, मॉर्निंग या इवनिंग के अंदर, ताकि आपका शरीर जो है इस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर ले कि आपको एक्सट्रीम वेदर के अंदर या हाई एल्टीट्यूड में काफ़ी चलना पड़ेगा, ताकि आप नहीं चलें तो आप जैसे ही चंदनबाड़ी से चलेंगे और सेम नाइट आपके पैर जाम हो जाएंगे, हाथ जाम हो जाएंगे, और वहाँ पे बहुत ठंड है दोस्तों, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस तरीके की लोकेशन पे। तो आप कोशिश करें कि आप डेली चलें। अगर आपकी यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन डेट अभी भी आगे है 10-15-20 दिन,
तो आप अभी से ही चलना शुरू करते हैं और 5 से 6 किलोमीटर प्लेन एरियाज में आप चलें, ताकि आप कितना सांस ले रहे हैं, आप अपनी धड़कनों पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप कैसा फील करते हैं जब आप बहुत चल लेते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप यात्रा पे होंगे तो ये जो भी फील हो रहा है इससे आपको डबल ही फील होगा दोस्तों, क्योंकि उस जगह पर एक तो ऑक्सीजन कम है, दूसरा है आप अभी प्लेन पे चल रहे हैं पर वहाँ आपको ऊंचाई में चढ़ना है, वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, तो बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है, हमारी बॉडी को, हमारे हर सिस्टम को एक्स्ट्रा ही वहाँ पर जोर लगाना पड़ रहा होता है। तो आप कोशिश करें डेली आप चलें और इस फिटनेस को आप ज़रूर ज़रूर अडॉप्ट कर लें, ताकि आपको चलने से आपकी बॉडी को दिक्कत नहीं आ रही हो। पहलगाँव में भी अगर आप रुक रहे हैं तो थोड़ा चलें आप डेली, आपका रूटीन ख़राब नहीं करें। दूसरा है इसी फिटनेस के साथ साथ आप योग करें, प्राणायाम करें और वो सब आसन करें जो हमारी सांस से रिलेटेड है, ताकि आप जब यात्रा पे हो तो आपको सांस से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि वहाँ 101% प्रॉब्लम आ सकती है सांस की आपको, क्योंकि अभी कोविड गुजरा है, नहीं पता लोगों को कि किसको कोविड हो गया था, कईयों को हो के निकल गया पता नहीं। तो आप प्राणायाम से, योग से अपनी सांसों को कंट्रोल करना, अपनी मन स्थिति को शांत करना इजीली सीख जाएं, क्योंकि वहाँ कुछ भी हादसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी दिख सकता है कि आपको आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाए या किसी और को आपको समझाना हो, तो आप ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें करके अपने को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर कर लें यात्रा के लिए। चलिए पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा अगला, वो है हमारा ज़रूरी सामान। क्या सामान हमें ले जाना चाहिए वहाँ पर? इस सामान के साथ साथ हमें ज़रूरी यह ध्यान रखना है कि पहली चीज़ हमारा बैकपैक कैसा हो, हमें कैसे हमारा लगेज पैक करना है और क्या चीज़ है जो हमें हमारी यात्रा के दौरान उन माउंटेन्स के अंदर लेके जानी है। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें, जैसे सबसे पहले हमारे कपड़े हुए, क्या क्या कपड़े हमें लेके जाने हैं। तो सबसे पहले इन कपड़ों का सिलेक्शन अच्छा करें, क्योंकि इनके सिलेक्शन से ही आप ज़्यादा बोझ ले जाने से बचेंगे और आपका बहुत कम से कम सामान ऊपर जाएगा और आप ईजिली वहाँ चढ़ पाएंगे, यात्रा का मज़ा ले पाएंगे। ज़्यादा सामान ले जाएंगे परेशान रहेंगे और आपके दर्शन उतने अच्छे नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो सामान हम लगेज हम पैक कर रहे हैं उसके अंदर आप ध्यान रखें, सबसे पहले पॉइंट है वूलन्स का, कि जो वेदर है वो ठंडा है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ठंडे के हिसाब से कपड़े वूलन्स ले जाने पड़ेंगे, ऊनी कपड़े। तो आप ध्यान रखें सबसे पहले आपके पास थर्मल इनर वियर होने चाहिए जो हम कपड़ों के अंदर पहनते हैं सबसे पहले, ये बहुत काफ़ी है वैसे, क्योंकि हम जब चलते हैं तो गर्मी भी साइड बाय साइड हमें होती है, तो अगर हम थर्मल इनर वियर्स पहनते हैं टॉप बॉटम दोनों तो बहुत इनफ होता ही है। उसके बाद भी आप एक वूलन जैकेट साथ में रखें, यह काफ़ी आपको मदद करेगी मॉर्निंग इवनिंग आवर्स में, क्योंकि वहाँ पर सुबह और शाम में बहुत ठंडी हवाएं चलती है और बहुत ठंड होती है। ये केवल ट्रैकिंग में ही काम आएगा, अदरवाइज़ आपको जम्मू या श्रीनगर में ये काम नहीं आएगा, वहाँ वेदर ईजी है। नेक्स्ट आप वूलन कैप रखें अपने साथ में, ताकि आपको कई जगह ऐसी आती है पहाड़ों में हाई एल्टीट्यूड पे कि बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलती है और हमारे कान नाक से हमें ठंड लगती है, तो कोशिश करें एक अच्छी मंकी कैप ले जाएं, जिससे आंखें आपकी दिख रही हो, कान और नाक आपका ढका हो, सर भी आपका ढका हुआ हो। नेक्स्ट इसके अलावा जो हमें चाहिए, एक मफलर ले सकते हैं आप, एक ऊनी शॉल अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि कई बार बिस्तर बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, जो कंबल होते हैं बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो आप उसकी एक, जैसे ट्रेन में आपको मिलता है एक वाइट शीट कंबल से पहले, तो आप उस शीट को पहले बिछा के अपने ऊपर ढक सकते हैं, और वो कोई भी अगर बिस्तर में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आपको उससे बचाव होगा और आपके लिए आपके पास एक फ्रेश ऊनी शॉल बहुत मदद करेगी। दूसरी चीज़ है कि आप एक मफलर ले सकते हैं अपने साथ में, जो काम आ सकता है आपके मफलर भी। इसके अलावा हमें चाहिए ग्लव्स की जोड़ी, ताकि हमारे हाथों को ठंड नहीं लगे, ये बहुत मोटे नहीं ले दोस्तों, बस एक अच्छे ऊनी ले लें बस ज़रा से। नेक्स्ट इसके अलावा आप ले सकते हैं अच्छे वुलन सॉक्स जो कॉटन के हो सकते हैं और अच्छी मोटे होने चाहिए, ताकि आपके पैरों में भी ठंड नहीं लगे जब आप रात को सोएं, क्योंकि आपको सॉक्स पहन के ही सोना होगा, उस जगह पे बहुत ठंड होती है रात के समय में। नेक्स्ट इसके अलावा जो वुलन के अंदर चाहिए वो है विंड चीटर, क्योंकि वहाँ पर अक्सर दोस्तों बहुत ठंडी हवाएं चलती है, तो कई बार हमें वुलन जैकेट लगा पहनने से भी गर्मी लगती है, तो आप विंड चीटर अपने साथ साथ रखें, जिससे क्या है वो ठंडी हवाएं आपको कम इम्पैक्ट करेगी और आपको ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा अपने ऊपर, ना ज़्यादा गर्मी लगेगी और ना आपको ठंड लगेगी। तो आप एक विंड चीटर ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका सामान काफ़ी आपके ऊपर सामान कम से कम होगा और आप इजीली चल पा रहे होंगे। नेक्स्ट इसके अलावा जो महिलाएं हैं या जो आदमी हैं उनके ड्रेस कोड भी आपको थोड़ा क्लियर हो,
मीन्स लेडीज़ के बारे में हम जैसा देखते हैं कि कई सारी महिलाएं जैसे साड़ी पहनती है, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं या जो हमारे घर की महिलाएं होती है, तो अगर आप साड़ी पहनते हैं तो दोस्तों इस यात्रा के दौरान आप साड़ी ना पहने और इसके बजाय आप सलवार सूट पहने, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और वैसे ही आदमियों के लिए अगर आप टाइट जीन्स ना पहने, स्किनी जीन्स कुछ भी नहीं पहने, आप शॉर्ट्स नहीं पहने या फिर बहुत पतले कपड़े ना पहने, इसके बजाय आप कुर्ता पजामा ले सकते हैं, जो ढीले ढीले कुर्ते पजामे होते हैं आप वो पहन सकते हैं। देन इसके अलावा आप लोअर टी शर्ट पहन सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है, टी शर्ट फुल स्लीव हो और लोअर आप ले सकते हैं। और इन कपड़ों का आप खास तौर से ध्यान रखें, खास तौर से महिलाएं जो साड़ी पहनती है वो इन दिनों में आप कम से कम लोअर टी शर्ट या सलवार सूट में पहने, ताकि आपको चढ़ने उतरने या कहीं कीचड़ में अगर पाँव गिर जाता है तो उसको धोकर साफ करने में काफ़ी आसानी रहती है वहाँ पे। देन इसके अलावा हम आगे चलते हैं, इसमें है हमारे साथ जैसे फर्स्ट हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा डाइट होता है वहाँ पे उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में भी हमारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अगर यात्रा पे पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर लगभग सारा खाना आपको लंगरों में खाने के लिए ही मिलेगा। आप जैसे ही चंदनबाड़ी से अंदर एंटर करेंगे वहाँ पर कमर्शियल कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी आपको किसी सर्विस के लिए नहीं देना होता है। हाँ, टेंट्स में आप रहते हैं वहाँ आपको देना पड़ेगा, प्रसाद के लिए देना पड़ेगा, मगर आपका फूड है वो कम्प्लीटली फ्री है वहाँ पे, लंगरों में आपका खाना चलता है। तो दोस्तों जैसा हमारा टफ टेरेन के अंदर हमें चलना पड़ रहा है और वहाँ पर हमें खाना भी खाना है, हमें एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर आते हैं काम आपके कार्बोहाइड्रेट्स। मगर ध्यान रखें कि जब वहाँ का खाना आप खाएं तो वो खाना ऐसा आपको पिक करना है जो आपको सूट करता हो, आपको गैस नहीं बनती हो, क्योंकि आजकल वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो गया है, काफ़ी सारी गाइडलाइन है कि कौन सा खाना ही खा आप दे सकते हैं लंगर वाले। तो बहुत कम ही लंगर्स ऐसे हैं जिसके अंदर फास्ट फूड अब मिल रहा है या फिर कुछ अलग तरह का खाना है, बहुत कम। अदरवाइज सबके सबको एक गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन से उनको खाना बनाना पड़ रहा है। तो आप मेक श्योर हो, कई लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो आप पहली बात कम खाना खाएं, अपनी गैस की जो भी मेडिकेशंस हैं आप साथ में लेके जाएं। सबसे पहले दोस्तों आप कम खाना खाएं, यही सबसे बड़ा राज है वहाँ का, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कम मिलती है तो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पर। तो आप जितना कम खाएंगे खाना उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे, रात का खाना खास तौर से। और आप जितना कम खाएं, खिचड़ी खाएं कोशिश करें और ऐसी चीज़ें खाएं जो नॉन गैस्ट्रिक हो, जिनसे गैस आपको नहीं बनती हो। इसके अलावा आप फुल पानी पिए, अगर दूध मिले, गर्म चाय मिले तो आप उसको टाइम टू टाइम लेते रहें, क्योंकि ये भी आपको एनर्जी देगी वहाँ पर। और ज़्यादा ऑयली फूड खाने से कम्प्लीटली आप उससे बचें, अवॉइड करें। ज़्यादा मैदे से बनी हुई जो भी हो, नान हो, रोटियाँ हो, उनसे भी आप बचें, राइस से भी बचें। शाम के टाइम के खाने के लिए खास तौर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ज़्यादा खाया भूख भूख में तो आप परेशान होंगे। इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने बैग में थोड़ा सा फूड सप्लीमेंट साथ में लेके चलें, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट हुए या फिर कुछ और भी जैसी चीज़ें हो सकती है जो बहुत कम हो मगर आपके बैग में हो। अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उनको खाते रहिए। चलिए, खाने का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ फ्री है तो आपके सामने सजा होगा दरबार पूरा, तो वहाँ जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना ही आप कम परेशानियों का सामना करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो कुछ डूज डोंट है, बहुत कॉमन एटिकेट हैं। जैसे अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे, आपका एक ग्रुप है, तो ग्रुप से पहली बात आपको अलग नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि ये इतना लंबा रास्ता है। लाइक अगर आप चंदनवाड़ी से आप अगर होली केव तक का रास्ता अगर पता करें तो ये लगभग आपका 30 किलोमीटर बनता है। तो ये 30 किलोमीटर में अगर आप ज़रा सा भी आगे पीछे हो गए या आप खो गए या आप अपने ग्रुप के साथ नहीं चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा दुख होगा कि आपको कहाँ रुकना है, आपने आपके ग्रुप ने क्या प्लान किया था, वो सब नहीं चल पाएगा। सो कोशिश करेंगे अगर आपका ग्रुप हो तो उस ग्रुप को अच्छे से डिवाइड करें, आप दो मजबूत योद्धाएँ, आप योद्धा की टीम बनाएं, एक टीम सबसे आगे रहेगी, एक टीम सबसे पीछे रहेगी, और ख़ास तौर से पीछे ही रहें, आगे से तो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इसमें लास्ट में जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी वॉलेंटियर्स होंगे, वो ध्यान रखें कि पीछे कोई भी हमारा मेंबर नहीं छूटना चाहिए। अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो वो खुद रुके वहाँ पर, ये इंश्योर करेगी वो व्यक्ति उनके साथ ही अपने आगे आए। और जो सबसे आगे चल रहे हैं उन लोगों को ध्यान रखना है कि अगर पीछे वाले दिख रहे हैं तब तक ही आगे चलना है, अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो आप वहाँ रुक जाएं, क्योंकि वहाँ के सारे रास्ते लगभग स्पाइरल टाइप से हैं, तो आपको पॉइंट 2-3 किलोमीटर का रास्ता तो आप बहुत दूर से ही देख सकते हैं कि वो व्यक्ति आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप मेक श्योर करें, धीरे धीरे चलें, अपने ग्रुप के साथ चलें, शॉर्टकट्स ना लें, और जहाँ जिस तरीके का लंगर आ जाए तो वहाँ रुक के वेट करें अपने आने, साथ में आप पीछे जो आ रहे हैं उन लोगों का, या फिर आप ज़्यादा रुके भी नहीं दोस्तों कहीं पे,
क्योंकि रुकने पर भी हमारा फिजिक ऐसा होता है कि हम जब ज़्यादा रेस्ट करते हैं हमारा खून ठंडा होने लगता है, तो हमें वो पावर नहीं रहती है वापस चलने की। तो थोड़ा सा आराम करें, कुछ खाएं पिए, चाय लें, देन वापस अपना रास्ता लें और आप अंतिम आपकी जो स्टे है जहाँ तक आप चलते रहें। नेक्स्ट दोस्तों कि आप जब चलें यहाँ से चंदनबाड़ी से या आप जम्मू से भी जब चलें, तो आप एक यात्रा में एक स्लिप बना के रखें अपने साथ, और ये स्लिप आप अपनी पॉकेट में भी रखें, आप अपने परिजनों की भी स्लिप बनाएं, हर एक बंदे की स्लिप होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका पूरा नाम होना चाहिए, आपका पूरा पता होना चाहिए, आपका इमरजेंसी फ़ोन नंबर होना चाहिए कि किसको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। आपके ग्रुप में भी अगर किसी का मोबाइल नंबर है जो पोस्टपेड सिम आप लेके जा रहे हैं, तो आप उसका फ़ोन नंबर भी रखें और एक अपना घर का नंबर भी रखें, ताकि अगर इन केस अगर आपका लगेज खो जाता है या कोई व्यक्ति खो जाता है, तो वो फ़ोन किसी के पास हो नहीं हो, नेटवर्क चल रहा हो नहीं चल रहा हो, तो आप इमीडिएटली उनको कॉल करके उनको रेस्क्यू करवा सको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम हमारे, चलिए दोस्तों तो अब आते हैं हमारे मेडिकल वाले किट पे, जो मेडिकल किट हमारे लगेज में हमारे साथ होना चाहिए हमारी यात्रा में। वैसे आप पूरे ग्रुप का भी एक मेडिकल किट बना के चलें जिसके अंदर कुछ ज़्यादा आप चीज़ें रख सकते हैं, जैसे बैंडेज वगैरह है या कोई चोट लगने पे जो भी हम यूज़ करते हैं ड्रेसिंग के लिए। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं अपना खुद का एक पर्सनल जो आपका किट होगा उसे भी अपने साथ रखें, क्योंकि जो बहुत कॉमन मेडिसिंस जो हैं लाइक आयोडेक्स है या जो मोच आ जाने पे जो स्प्रे लगाते हैं अपन कई सारी, या एक गर्म पट्टी हम बांधते हैं अपने कई मोच आने पे, इसके अलावा आप एक विक्स ले सकते हैं जो नाक में सूंघते हैं, हेडेक की आप दवाई ले सकते हैं, बुखार के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। तो इस तरीके कुछ मेडिकेशन का एक आप बंच बना के अपने साथ लेके चलें जो कॉमन मेडिकेशंस होती हैं, जैसे ग्लूकोज ले लें, या आपको कहीं डायरिया हो जाए कहीं पता चला, या तो आप ऐसे कुछ लेके चलें जो आपको इमरजेंसी के अंदर काम आए। इसके अलावा अगर आपको पर्सनली हेल्थ कोई प्रॉब्लम है लाइक किसी को गैस बनती है या किसी को उल्टी चक्कर आते हैं या किसी को किसी भी तरह की कोई इश्यू हो सकता है, तो अगर आपकी रेगुलर कोई मेडिसिन चल रही है तो भी आप उनको एक्स्ट्रा में लेके चलें। आपको वहाँ ठहरना भी पड़ सकता है काफ़ी, 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन की दवाई आप एक्स्ट्रा लेके चलें। और इन जो चीज़ों की दवाई मैंने आपको बताया है ये आप दवाई अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि ये इश्यूज़ वहाँ डेफिनेटली आ सकते हैं। पहाड़ों का पानी कई बार कॉन्स्टिपेशन कर देता है, कई बार वहाँ पे बहुत स्टमक रिलेटेड डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाती है कई बार लोगों को। तो मेक श्योर कि आप कुछ अच्छे मेडिकेशन अपने साथ में रखें ही रखें, अदरवाइज़ आपको वहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं होगी चीज़ें जब तक कि कोई बड़ा शहर नहीं होगा वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वहाँ पर कैश के बारे में। दोस्तों कि आप जब यात्रा में चल रहे हों तो आप ध्यान रखें कि आपके पास इनफ अमाउंट कैश होना चाहिए, क्योंकि जब मैं यात्रा पर गया तो हमारे ग्रुप में एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई और हमारा ग्रुप जो था टोटली जो हम पैदल पैदल चल रहे थे उन लोगों को ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें घोड़े करके जाना पड़ा। तो अगर आप घोड़े से जाते हैं तो लगभग पर पर्सन आपको 3000 प्लस चार्जेस हैं, लास्ट ईयर तो इतने ही थे, तो इस साल और भी हो सकता है बढ़ गए हों। तो आप ध्यान रखें कि एक व्यक्ति के लिए मिनिमम कुछ ना कुछ चार्जेस आपके पास इन कैश होना चाहिए, आप फ़ोन पे के भरोसे ना जाएं दोस्तों, क्योंकि वहाँ कहीं भी नेटवर्क नहीं है। अगर आपके पास सिम नहीं है तो आपका वैसे भी ट्रांजेक्शन नहीं होना है, तो आप फ़ोन पे के भरोसे ना जाएं दोस्तों, और ज़्यादा आप कैश लेके जाएं। जब आप पहलगाम से निकले तो आपके पास इनफ अमाउंट कैश होना चाहिए, कम से कम 5000 आपके पास होने चाहिए, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कहीं भी कोई फैसिलिटी लेने में दिक्कत नहीं आए। दूसरी बात है वहाँ टेंट जो होते हैं वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं कई बार, तो आप ध्यान रखें कि आपके कैश होगा तभी आपके पास हिम्मत होगी कि कुछ जो भी फैसिलिटी आपको इमरजेंसी में कभी लेनी है तो वो आप ले पाएंगे आराम से। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको हमेशा वहाँ पे जब जाएं तो आप रूल रेगुलेशंस का अच्छा ध्यान रखें कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे। लाइक हर जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, कहीं आपको चेतावनी वाले साइन बोर्ड भी हैं कि यहाँ ठहरें या ना ठहरें, क्योंकि कुछ पीक्स ऐसी है जहाँ पर मना करते हैं पुलिस वाले, वो रैपिडली आपके सामने घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे और डंडों से बुलाते रहते हैं लोगों को कि आप यहाँ ज़्यादा मत बैठिए, लेटिए मत, सोइए मत। तो आप उनको इग्नोर ना करें दोस्तों। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी लगती है ज़रा सी, तो आप 100% लगे कि भाई हाँ अब मुझे 10 मिनट बाद पता चलेगा, उससे पहले ही आप किसी ना किसी मेडिकल जो फैसिलिटी सेंटर्स होते हैं वहाँ को अप्रोच कर ले दोस्तों, वहाँ पहुँच जाएँ बहुत जल्दी। चाहे आपको सांस लेने में दिक्कत है, चाहे आपको फीवर है, चाहे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आपको अगर 1% पे भी लग जाए कि आपकी हालत आगे जाके ख़राब हो सकती है, तो आपकी ख़राब होगी 100%,
तो आप उससे पहले ही वो मेडिकेशन ले लें डॉक्टर के पास जाके। और बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको इजीली ऑक्सीजन मिल जाएगी और लगभग सारी दवाइयाँ वहाँ मिल जाएगी। इवन हार्ट की पेशेंट जो है अगर उनको इन सडन भी वहाँ प्रॉब्लम आती है तो भी उनको सारी मेडिसिन वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और आपको जाँच ईजीली हो जाती है वहाँ पर। तो आप कोशिश करें आप जब वहाँ चलें तो सभी तरह की फैसिलिटीज़ पर नज़र रखें, कहाँ मेडिकल सेंटर आ रहा है, कहाँ पर रिलीफ सेंटर आ रहा है, कहाँ किस तरह का सेंटर आ रहा है। तो जैसे आप वहाँ अगर वॉशरूम भी जाना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, तो भी एक अलोकेट लोकेशन पर ही जाएं। आप गंदगी ना करें दोस्तों, वो पवित्र जगह है, पहाड़ है। तो आपको अगर टॉयलेट यूज़ करना है तो आप कोशिश करें कि आप जब किसी कैंप में पहुँचे तो वहाँ पर आप पूछें कहाँ यहाँ सेंटर है जहाँ मतलब टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ जाके आप इजीली फ्रेश हों, टॉयलेट हों, या फिर आप नहाना चाहते हैं तो भी एक निर्धारित जगह पर ही जाएं और वहाँ नहाएं। इसके अलावा भी दोस्तों ये जो पूरा एरिया है, जो अमरनाथ गुफा का एरिया है या पूरा ट्रैक है, ये एक नेशनल मतलब उसको एक माने तो हम एक तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ आग जलाना मना है दोस्तों, तो आप अपने लेवल पे कहीं आग नहीं जलाएं कि आप बैठ गए वहीं माचिस तीली ली आप जलाने बैठ गए, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इको सेंसिटिव एरिया है दोस्तों, तो आप कोशिश करें इस तरह की हरकतें आप बिल्कुल ना करें। डूज डोंट के अंदर एक चीज़ पहले ही आ जाती है कि आप इन सब चीज़ों को लेके वहाँ ना जाएं। इसके अलावा भी रात के समय में आप अकेले अपने कैंप से बाहर नहीं जाएं दोस्तों, तो ये डोंट के अंदर हमारे बीच आएगा। मगर आप ध्यान रखें जितने भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ लिखे हों, जितने भी पुलिस सिक्योरिटीज़ वहाँ आए उनको कोऑपरेट करें। वो सवाल अगर कुछ पूछते हैं आपसे तो आप उनका पीसफुली जवाब दें और किसी से टकराएं नहीं वहाँ के मैनेजमेंट से। वो अगर किसी सुरक्षा कारणों से अगर आपसे कुछ पूछ रहे हों तो आप उनको सिंसियरली जवाब दें और वहाँ से आगे बढ़ें। उलझे नहीं, कंप्लेंट नहीं करें किसी हर छोटी छोटी चीज़ की, और पूरा ध्यान रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो है डोंट। क्या क्या डोंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहले आपको चप्पलों का यूज़ नहीं करना है दोस्तों, वहाँ स्लीपर्स यूज़ नहीं करें, वहाँ बिल्कुल ट्रैकिंग शूज़ ही होने चाहिए। और ये ध्यान में रख के चलें कि वो 100% गीले होने हैं वहाँ पे। तो आप ऐसे शूज़ रखें जो बूट स्टाइल में हों और वो गीले हो जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब आप रात को कहीं ठहरते हैं तो उनको हटा दीजिए, नए सॉक्स पहनिए। ज़्यादा पेयर रखिए आप सॉक्स का, तो आप रात को फ्रेश सॉक्स पहन के रखिए, जो ख़राब हो गए उनको धो के सुखा दीजिए। और इस तरीके से आप एक बूट सीखें, चप्पलों में ना जाएं दोस्तों, अदरवाइज़ कीचड़ में आपके पाँव गिरेंगे, ठंडे होंगे पाँव, और आपको हाइपोथर्मिया किसी भी तरीके की प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट, जब भी वहाँ पर कोई लाइन लग रही हो दोस्तों चेकिंग को लेके, धक्का मुक्की नहीं करें, अपने ग्रुप को पहले उस लाइन से पहले इकट्ठा कर लें। और जब सारे ग्रुप मेंबर्स आ जाएं तो आप किसी भी तरह की रो में एंटर करें और फर्स्ट टू लास्ट वाला कंसेप्ट वॉलेंट्री वाला रखें कि फर्स्ट से लास्ट का बंदा इंश्योर करेगा कि हम सारे लोग आ गए। बार बार रुक रुक के गिनती करते रहें कि कोई व्यक्ति पीछे नहीं छोड़ गया हो, कोई क्यूरियोसिटी में रह जाए, कोई सिकनेस में पीछे रह जाए, या किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो वहाँ पर। तो आप पूरा ध्यान रखें दोस्तों, जिम्मेदारी से आप वहाँ पर चलें। नेक्स्ट है शॉर्टकट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। आपको पहाड़ में दूसरा रास्ता भी दिख रहा होगा तो आप ऐसा नहीं सोचें कि भाई शॉर्टकट है, दो लोग जा रहे हैं हम भी चलते हैं। प्लीज़ ना जाएं दोस्तों, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का वहाँ सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने जितना ग्रुप में रहेंगे आपको उतना ही जल्दी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को काउंटर करने का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये जंगल एरिया है तो आपको वहाँ किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं फैलाना है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू इस तरीके का दोस्तों आप नाम भी ना लें इस यात्रा के अंदर। और सबसे बड़ी बात है शराब जैसी चीज़ों को भी अपने साथ कैरी ना करिएगा दोस्तों, अदरवाइज आप बहुत बुरे फंस जाने वाले हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, इसके अलावा लाइटर भी ना रखें अपने साथ में। चलें नेक्स्ट है, आपको बताया जैसे हम कई बार घोड़े के लिए कूली लेते हैं तो आप ध्यान रखें कि उनका भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आप कोई कूली ले रहे हैं, आप सिंगल पर्सन हैं या आप हस्बैंड वाइफ है या दो लोग तीन लोग ही जा रहे हैं तो उनके भी अलग होने का चांस होता है। तो आप ध्यान रखें कि तीनों के पास, तीनों कूलियों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसकी आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा या पेन डायरी में उनका कूली नंबर लिख लीजिएगा। उनका कूली नंबर होता है वहाँ पे, उनका भी एक टैग लगा होता है, तो आप उनको साथ रखिए। अगर वो मिसबिहेव करते हैं तो आप उनकी कंप्लेंट कीजिएगा कि वो ढंग से आपको नहीं चला रहे थे। आप कंप्लेन करें कि अगर वो ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उनके जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं, जो पिट्टू या टट्टू वाले होते हैं, इनका भी आप रजिस्ट्रेशन अपने पास रखें। अगर नहीं हो तो आप उनको ना ही लें। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई सारी जगह जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप कोशिश करें कि जितने भी हाई एल्टीट्यूड पीक्स पे मना किया जाता है वहाँ ना रुकिएगा दोस्तों रात के समय में।
और दिन में भी लंबी नींद न वहाँ ना लें, ज़्यादा आराम नहीं करें, कोशिश करें अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो नीचे उतरने की कोशिश करें जितना जल्दी हो। आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो तो आप नीचे की ओर उतरना शुरू करें, आप काम डाउन हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है होली के जो पवित्र गुफा है उस पर भी रात रुकने की कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर भी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। अगर आप रात रुकेंगे वहाँ पर तो डेफिनेटली आपको रात को प्रॉब्लम आने की चांसेस वहाँ रहते हैं, आप तो फैसिलिटीज़ भी शायद बंद कर दी वहाँ पर। तो आप ध्यान रखें कि ये काफ़ी कुछ चैलेंजिंग होती है ये सारी सिचुएशंस, तो आपको इनके अंदर बहुत सावधानी पूर्वक जाना है और ईश्वर का आपको ध्यान करना है। अगला ये है दोस्तों, कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो भी अपनी पैकिंग के अंदर रखें, लाइक पावर बैंक रखें अपने साथ, क्योंकि वहाँ पर पावर भी बहुत जल्दी जाता है बैटरी का। जो यूट्यूब व्लॉगर्स हैं तो वो अपने साथ एक पावर बैंक ज़रूर रखें ताकि आप अपने फ़ोन को इजीली चार्ज कर सकें, या आपका कोई ग्रुप मेंबर है जो फ़ोन से हर किसी से कनेक्टेड है, घर पे है, पोस्टपेड सिम है। हाँ, आप एक पोस्टपेड सिम अपने ग्रुप में ज़रूर रखें दोस्तों, क्योंकि पोस्टपेड सिम आपके ज़्यादातर एरिया में चलेगी, बहुत कुछ ही एरिया ऐसा होगा जहाँ पर आपकी सिम काम नहीं करेगी, वो भी इन ट्रैकिंग के अंदर ही। तो आप ध्यान रखें कि इस यात्रा में आपकी ग्रुप में किसी ना किसी के पास एक पोस्टपेड सिम होनी ही चाहिए, वो जम्मू कश्मीर में चलेगी, अदरवाइज प्रीपेड सिम्स जो हैं वो सारी बंद हो जाएगी। तो आप एक पावर बैंक रखें, एक व्यक्ति के पास पोस्टपेड सिम ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप सब चाहें सब भी ले सकते हैं, सिंपली अपने सेंटर पर जाएं जियो या एयरटेल और उनको बोल दें कि भाई मेरे को पोस्टपेड कर दो, 1-2 महीने के लिए आप पोस्टपेड भी करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आजमाया हुआ नुस्खा भी है कि आप अपने साथ यात्रा में कपूर लेके जाएं। सभी यात्रियों के पास थोड़े थोड़े कपूर होना चाहिए, जब आपको सांस लेने में दिक्कत आए तो आप कपूर से थोड़ा सा स्मेल करें और लंबी गहरी सांसें लेंगे तो आपको वो थोड़ा सा आपका सांस खोलने में मदद करेगा, विक्स के जैसे। इसके अलावा दोस्तों कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लेके जाएं ताकि आपकी स्किन है उसको आप बचा सकें अल्ट्रा वायलेट रेज से, क्योंकि एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है और वहाँ स्नो अगर आपको मिलती है तो उससे भी टकरा के यूवी रेज आपकी स्किन पर गिरती है और वो जला देगी आपकी स्किन को। तो आप SPF जो सनस्क्रीन आती है वो सनस्क्रीन लेके जाएं और सबके लगाएं, और दिन में अगर आप चल रहे हैं उसी टेरेन के अंदर तो 2 से 3 बार हर 3-4 घंटे के अंदर अप्लाई ज़रूर करें। इसके अलावा आप सनग्लासेस लेके जाएं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन के साथ साथ आँखों को भी नुकसान पहुँचाती है, तो आपके पास एक फ़िल्टर ग्लास सनग्लास के नाम पर होना चाहिए ताकि आपकी आँखों को भी बचाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों कैश, मैंने आपको बता ही दिया कि कैश आपके पास होना चाहिए। मॉइस्चराइज़र है वो आप नारियल तेल बिल्कुल ना ले जाएं, इसके बजाय आप सरसों का तेल ले जाएं, क्योंकि ठंडे एरिया में एक तो वो निकलेगा नहीं और दूसरा है कि वो बहुत जल्दी आपकी स्किन को ड्राई कर देगा। तो आप सरसों का तेल ईजिली ले जाएं और जितना संभव हो अपने नाक में भी लगाएं इसको, और जो अपने होठ वाले एरिया है इस पर लगाएं और कंप्लीट मॉइस्चराइज रखें, अदरवाइज़ आपकी फ़ोटो भी ख़राब आने वाली है वहाँ पर। तो दोस्तों कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप अपने साथ रखें और देखे लोगों को ऑब्जर्व करें, कोई कुछ कह रहा हो तो उसको ना माने, अपने ग्रुप में अगर कोई अनुभवी आदमी गया हुआ हो तो उसकी बात सुने, लोग कोई भी अफवाह फैला रहे हो वहाँ ये आ गया, तूफान आ गया, बर्फ़ गिर गया, ये हो गया, कुछ भी परवाह नहीं करें दोस्तों। आप अगर बेस कैंप में हैं लाइक शेषनाग या पहलगाँव या बालटाल या होली के ऊपर तो आप सेफ़ हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मौसम को लेके अलर्ट रहें हर टाइम, कैसा मौसम चेंज हो रहा है, अगर आप रास्ते के बीच में हैं तो किसी जगह ठहरे हैं, थोड़ा वेट करें, अगर बारिश हो रही है तो आप आगे जाने का रिस्क ना लें दोस्तों। थोड़ा कंजर्व रिजर्व किस्म का अगर आप नेचर रखेंगे तो आप ज़्यादा सहूलियत में रहेंगे वहाँ पे। इसके अलावा भी आप मन में शिव का ध्यान करें दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ का ध्यान करेंगे तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा दोस्तों। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अनुभव ख़राब होते हैं वहाँ पर, अदरवाइज़ लोग बहुत खुश होते हैं वहाँ जाकर, आपको बहुत नई चीज़ें दिखने वाली है। दौड़े नहीं रास्तों के ऊपर कि चले जा रहे हैं कि हाँ हाँ हमें पहुँचना है, नज़ारों को एंजॉय करें दोस्तों, क्योंकि ये शिव ही हैं जो पहाड़ों में, कैलाश में, हिमालय में रहते हैं। तो शिव तत्व अगर आप जानते हैं तभी आप जा रहे हैं और उसको महसूस करें कि भगवान शिव यहाँ क्यों हैं। अलग अलग चीज़ों की किस्से कहानियाँ हैं, लोगों से बात करें, नए दोस्त बनाएं, अपने बारे में बताएं, नेगेटिव बातें करने से बचें किसी भी सिचुएशन के अंदर, पॉजिटिव बातें करें, धार्मिक बातें करें, गीत गाएं और सांस लें, खूब पानी पिए। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनके अच्छे दर्शन हों, अच्छी यात्रा रहें, अच्छे अनुभव रहें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या क्या और ऐसे दर्शनीय स्थान हैं जो आप इसी यात्रा में देख सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।